इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के साइड इफेक्ट, बीते 48 घंटे में कम से कम 129 लोगों की हुई मौत। रायगढ़ में भीषण बाढ़ से हाहाकार, महाड़ में लैंडस्लाइड से 38 लोगों की मौत। पोलादपुर हादसे में कुल 11 लोगों की मौत, 13 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कुदरती आफत में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना, गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की। रायगढ़ लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेगी 2 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी उद्धव सरकार। सेंट्रल रेलवे के कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश बनी मुसीबत, 30 ट्रेनें रद्द, 12 रूट बदले गए। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी बारिश, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पश्चिम बंगाल में भी कई इलाकों में जोरदार बारिश, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य तेज हुआ, सेना के जवान, नेवी के जवान भी जुटे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी एनडीआरएफ की टीमें, अब तक 132 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कोल्हापुर में कर्नाटक की बस डूबी, 25 लोगों को बचाया गया, कोल्हापुर में 47 गांवों का संपर्क टूटा। मुंबई में रुक रुक कर बरसात जारी है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी येलो जारी किया है, जलभराव बन सकता है लोगों की परेशानी। उड़ीसा के भुवनेश्वर से एनडीआरएफ की टीम महाराष्ट्र पहुंची, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के कार्य में मदद करेगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पानी में बहते हुए एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके तक पहुंचा, ग्रामीणों ने रस्सी और बोरे के सहारे मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। कोंकण के चिपलून से आई बाढ़ से तबाही की बेहद ही डराने वाली तस्वीर, घर से लेकर सड़क किनारे तक खड़ी गाड़ियों का बुरा हाल। चिपलून में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नेवी की 7 और एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत बचाव में जुटी। बारिश बाढ़ ने चिपलून के लोगों की परेशानी बढ़ाई, घर में बाढ़ का पानी घुसा, घरेलू सामान सब बर्बाद। चिपलून में आई बाढ़ में 8 कोविड पेशेंट्स की मौत की खबर, उपरांत अस्पताल में पानी भरने से हुई मौत। महाराष्ट्र के वर्धा में जान जोखिम में डालकर लहरों को पार करके बाइक सवार कर रहा था निकलने की कोशिश, पड़ा महंगा, पानी के तेज बहाव में बही बाइक स्थानीय लोगों ने बचाया। कर्नाटक में बारिश बाढ़ से हाहाकार, उत्तर कन्नड़ इलाका हुआ पानी पानी, कई गांव डूबे। आर्मी एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी, बीते 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से आफत, हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश से बेलगावी, हुगली, धारावाड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों का भी बुरा हाल, बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए एनडीआरएफ और आर्मी के जवान। कर्नाटक के बेलगावी में लैंडस्लाइड, ट्रेन की कई बोगी मलबे में दबी, ट्रेन के अंदर तक पानी भरा। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश से कई इलाकों में रेलवे ट्रैक डूबे, ट्रेन सेवा पर बुरा असर पड़ा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाल बाल बची 2 लोगों की जान, पानी के तेज बहाव में बाइक सवार बही। उत्तर प्रदेश में आम के स्वाद पर तेज हुई सियासत, राहुल के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को ट्विटर पर घेरा, कहा राहुल गांधी का टेस्ट ही विभाजनकारी है। राहुल पर सीएम योगी का तंज, कहा राहुल के संस्कार से पूरा देश परिचित, फल के स्वाद को भी क्षेत्रवाद की आग में झोंका, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। बीजेपी सांसद रवि किशन का राहुल गांधी पर वार, कहा कांग्रेस को यूपी का आम पसंद नहीं और यूपी को कांग्रेस पसंद नहीं। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर दिया जवाब, कहा योगी आदित्यनाथ की सोच और विचार ही विघटनकारी है। पेगासस जासूसी मुद्दे पर गतिरोध जारी, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने पेगासस का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया, इस्तीफा दें गृहमंत्री। राहुल गांधी ने कहा पेगासस को हथियार के तौर पर सरकार ने इस्तेमाल किया, पेगासस को हथियार मानती है इजरायली सरकार। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, पीएम मोदी और गृहमंत्री ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की, राहुल ने जासूसी को बताया देशद्रोह, अपना फोन टैप होने का लगाया आरोप। राहुल के आरोप पर बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, राहुल फोन टैपिंग की शिकायत करें, जांच एजेंसी को अपना फोन सौंपे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर संसद न चलने देने का भी आरोप लगाया, संसद की कार्यवाही को बाधित करना राहुल की पुरानी आदत, कहा सरकार से कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की हो जांच। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में हो चर्चा, केवल मंत्री का बयान काफी नहीं, राज्यसभा के मॉनसून सत्र से सस्पेंड किए गए टीएमसी सांसद शांतनु सेन। वेंकैया नायडू ने शांतनु सेन सहित विपक्षी सांसदों के आचरण पर नाराजगी जाहिर की, कहा इस तरह की कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र पर हमला है,
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का टीएमसी पर बड़ा आरोप का टीएमसी बंगाल में हिंसा के जैसे कल्चर को संसद में अब लाना चाहती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में सिद्धू की ताजपोशी हुई। पंजाब कांग्रेस का कमान संभालते ही सिद्धू का कैप्टन पर निशाना। मंच से सिद्धू ने कैप्टन को बिजली, ड्रग्स, किसानों के मुद्दों पर घेरा। ताजपोशी कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस भवन में आई भीड़ पर चंडीगढ़ में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मामला। आज से दो दिनों के मेघालय दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी रहेंगे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों की मौजूदगी भी रहेगी। शिलांग में गृहमंत्री अमित शाह का व्यस्त कार्यक्रम। मायोंग में ISBT और न्यू शिलांग टाउनशिप में क्रायोजेनिक प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 25 जुलाई को असम पहुंचेंगे शाह। असम राइफल्स के मुख्यालय के दौरे के साथ साथ गुवाहाटी के शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। दो दिन के दौरे पर आज गोवा पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज दोपहर जेबोलिन हवाई अड्डा पहुंचेंगे नड्डा। बाद में पार्टी के सांसदों, विधायकों और बाकी नेताओं से करेंगे मुलाकात। सोमवार को दिल्ली पहुंचने से पहले ममता की पार्टी का बड़ा दाव। बिना सांसद बने तृणमूल संसदीय बोर्ड की नेता बनाई गई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। TMC सांसदों ने सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को चुना संसदीय दल का नेता। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी जानकारी। 2024 की रणनीति के लिए बड़ा कदम। आषाढ़ पूर्णिमा और धम्मचक्र दिवस पर देशवासियों को खास संदेश देंगे पीएम मोदी। सुबह 8:30 बजे होगा प्रसारण। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी वारदात। आतंकवादियों ने एक सरकारी कर्मचारी की हत्या की। अवंतीपुरा में भी आतंकी हमला। जावेद अहे मलिक नाम के शख्स की आतंकवादियों ने हत्या की। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान में 2 अगस्त से नहीं खुलेंगे स्कूल। सीएम अशोक गहलोत ने 5 मंत्रियों की बनाई कमेटी। कमेटी स्कूल खोलने की तारीख तय करेगी, साथ ही बनाएगी SOP। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए मुस्लिम समुदाय भी आया सामने। अंजुमन इंतजामिया कमेटी मस्जिद ने दी अपनी जमीन। बदले में काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने 1000 स्क्वायर फीट जमीन बांस फाटक पर दी। पोर्नोग्राफी मामले में फंसे राजकुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। केस की जांच की आंच शिल्पा शेट्टी तक पहुंची। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ। राजकुंद्रा के सामने बैठाकर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के घर के कोने कोने की तलाशी ली। कुंद्रा के गंदे धंधे से जुड़े सबूत जुटाए। सूत्रों के मुताबिक राजकुंद्रा ने कई बार ऐप से होने वाली कमाई की बड़ी रकम शिल्पा के बैंक खातों में भी मंगाई। शिल्पा पर आरोप है उन्होंने जानबूझकर कुंद्रा के गलत काम की जानकारी छिपाई। राजकुंद्रा की एडल्ट कंपनी केनरिया में भी शिल्पा पार्टनर है। कई लड़कियों का बयान, एक्टिंग में आने से पहले उनकी बात शिल्पा से भी करवाई गई थी। पॉन रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार राजकुंद्रा की पुलिस रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ी। कल मुंबई के किला कोर्ट में हुई थी पेशी। कोर्ट में पुलिस ने कहा राजकुंद्रा के मोबाइल से 119 पॉन क्लिप्स मिले। लैपटॉप में भी 51 वीडियोस। राजकुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। 121 वीडियोस का 12 लाख में कर रहे थे सौदा। गृहमंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर हुई चर्चा। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की ममता सरकार को चेतावनी। कहा 26 जुलाई तक हलफनामा देने का आखिरी मौका। गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी। लोकतांत्रिक तरीके से काम करने पर हुई बात। अयोध्या में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के साथ BSP ने किया मिशन 2022 का आगाज। सांसद सतीश मिश्रा ने राम जन्मभूमि पहुंचकर लिया रामलला का आशीर्वाद। सतीश मिश्रा का BJP पर हमला। पूछा क्या अयोध्या पर BJP की ठेकेदारी, क्या रामलला के दर्शन के लिए BJP की लेनी होगी मंजूरी। कर्नाटक विधानसभा में बोले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने वाले विधायकों को पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा। सिद्धारमैया ने BJP को दी चुनौती। कहा किसी शेड्यूल कास्ट के नेता को CM बनाकर दिखाएं। बंगाल में नौसेना के ठिकानों से 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अवमानना याचिका खारिज की। हरियाणा पर वाटर सप्लाई के साल 1996 के आदेश के उल्लंघन का लगाया था आरोप। कर्नाटक हाई कोर्ट से ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा गाजियाबाद पुलिस वर्चुअली भी कर सकती है पूछताछ। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39,496 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 551 लोगों ने जान गंवाई। 35,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,518 नए मामले। 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 1 अगस्त से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन। म्यूजियम कोरोना की वजह से अप्रैल में बंद किया गया था।
आज आएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड करेगा ऐलान। दिसंबर 2021 से पहले 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद, केंद्र ने संसद में दी जानकारी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की दिल्ली सरकार को सलाह, लॉकडाउन हटाने से बढ़ सकता है कोरोना का संक्रमण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जताई उम्मीद, देश में सितंबर तक आ जाएगी बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार। बदमाश मणिपुरम गोल्ड बैंक में लूट की वारदात में था शामिल, बदमाश के पैर में लगी पुलिस की गोली। बिहार के गया में डोभी हाईवे पर दो बसों की आमने सामने की हुई टक्कर, हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। यूपी के मेरठ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 3 जिंदा क्रूड बन मिले, पुलिस ने बम स्क्वाड दस्ते मौके पर पहुंचकर इस दस्ते ने बम को जब्त किया। तेलंगाना के जनगाम से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, यात्रियों से भरी बस में लगी आग। हनमकोंडा से हैदराबाद जाने के बीच हुआ हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। तेलंगाना के नागर कुरनूल में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, 1 घायल, तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। तमिलनाडु के शिवगंगा के मंदिर में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, राज्य के कई जिलों से पहुंचे भक्त, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी को दिया 293 करोड़, काफी विवादों के बाद कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, फायर फाइटिंग गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। रूस के कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही, सिल्का इलाके में भरा पानी। ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन पर पुल गिरने से कई ट्रेनें ठप। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, 28 जुलाई को विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोवल के बीच होगी मुलाकात। जापान नेशनल स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक्स की हुई रंगारंग शुरुआत, 205 देशों के 11,000 एथलीट्स अलग अलग खेलों में लेंगे हिस्सा। कोरोना महामारी की वजह से ओपनिंग सेरेमनी में 1,000 लोग ही हो पाए शामिल, इस बार दुनिया भर के करीब 11,000 खिलाड़ी कर रहे हैं दावेदारी पेश। ओपनिंग सेरेमनी में मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह ने भारतीय दल की अगुवाई, 85 मेडल इवेंट्स में भिड़ेगा भारत। श्रीलंका ने भारत को तीसरे और आखिरी मैच में 3 विकेट से हरा दिया, डकवर्थ लुईस के तहत हुआ फैसला। भारत ने 225 रन का दिया था लक्ष्य, श्रीलंका ने 7 विकेट पर 227 रन बनाए। टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, पृथ्वी शॉ ने 49 और संजू सैमसन ने 46 रनों की पारी खेली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।